हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइट थ्योरी को। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग। एक बार मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। सो एक बार देख लेते हैं ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम। हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट थ्योरी को। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिससे हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलाइट थ्योरी। ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, देन स्टार्ट करेंगे। एक बार 2 मिनट रुकना तब तक। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाइट थ्योरी को। ठीक है, इलाइट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो टुडे अगर आप देखोगे, टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। तो आप देखो यहाँ पर आप लोग जो है अनअकैडमी पर आप देखो तो 25th जो है लास्ट डेट है एक तरह से। 25th दिसंबर, जिस दिन आप लोगों का क्रिसमस डे है, उस दिन आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन। आज ही आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, और न्यू बैच इज कमिंग सून। और मेरा जो बैच कोर्स आ रहा है उसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो मेरा बैच कोर्स आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो नेम है वो है विक्ट्री बैच कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। सो हमारे कोर्स का नाम रहेगा विक्ट्री बैच कोर्स। तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ और ये बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों का 1 जनवरी से। फर्स्ट जनवरी 2021 से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, आप लोगों का पूरा सिलेबस कवरअप कराया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, प्लस मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, यानी आपके नेट और जेआरएफ की पूरी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो ये विक्ट्री बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस पर। आज ही आप लोग इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी ऐप और वहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। माय नेम इज मीनाक्षी सिंह एंड आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज
जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ, ठीक है। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, मेरी अपकमिंग जो भी मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं मेरे, जहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, वो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना, टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ, न्यू बैच इज कमिंग सून, ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अगर आप देखोगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन अन अकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि जो भी एक तरह से मोस्ट रिन्यूड ऑथर ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन बुक, तो वन डे टू गो, सिर्फ एक दिन रह गया है, ठीक है, 24 दिसंबर 2020 एट 5 PM इनका इंटरव्यू रहेगा। KVS मदान सर, आप सभी जानते होंगे इनको, ठीक है, जो पेपर वन पर आप जो भी बुक पढ़ते हो तो वो इनकी बुक होती है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो यहाँ पर अन अकेडमी पे इंटरव्यू होने वाला है KVS मदान सर का, और ये है 24 दिसंबर को। आप सभी को पता है मेरी क्लासेस होती हैं कितने में, 4 बजे होती है ना। अभी मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो 1 PM और 4 PM चल रही हैं, तो आप लोग जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस MCQs करना चाहते हैं, तो आप सभी आ सकते हो, ये फ्री क्लासेस हैं। इसके अलावा जो है मेरा वेडनेसडे को क्लास होता है यूट्यूब पर मेरा वेडनेसडे को क्लास होता है, ठीक है, तो आप सभी आ सकते हैं। और आप लोग 1 मंथ का 3 मंथ का 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप 6 मंथ का लेते हो, ये 9,000 समथिंग का पड़ेगा, अभी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये 11,000 समथिंग और ये 16,000 समथिंग। लेकिन अगर आप 25 तारीख के बाद अगर आप लेते हो, तो यही प्राइजेस आप लोगों को ज्यादा उस पर पड़ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप मेरा रेफरल कोड तो आपको पता ही है, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, तो मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव। क्या है? मीनाक्षी लाइव, ये ध्यान रखना, ठीक है, मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी लाइव, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, माय रेफरल कोड इज मीनाक्षी लाइव। तो जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू कैन पुट मीनाक्षी लाइव एज एन रेफरल कोड फॉर गेटिंग 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलाइट थ्योरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलाइट थ्योरी, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे। जब हम इलाइट थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इलाइट थ्योरी की बात करते हैं, तो क्या है इलाइट थ्योरी? सारे बच्चे अपने आप भी, आप लोग भी बताना, ठीक है, मैं आप लोगों के व्यूज भी देखूंगी कि हाँ इलाइट थ्योरी आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग क्या समझते हैं कि इलाइट थ्योरी क्या है। इलाइट थ्योरी बताएंगे, वेरी गुड, अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। अब पढ़ो, अब पढ़ाई करो, ठीक है। ठीक है, सोनाली ने ले लिया 12 मंथ का, अच्छा अभी अभी है जो आपने लिया है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है, आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और बाकी बच्चे भी जल्दी से ले लो। मैं इंटरव्यू का बता रही थी कि जो आपके KVS मदान सर हैं, तो वो 24 को उनका इंटरव्यू होने वाला है अनअकैडमी पर, ठीक है, वो फ्री होगा, मतलब फ्री स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है प्लस स्टूडेंट ही देख पाएंगे, फ्री स्टूडेंट भी इजिली उनकी क्लास में जा सकते हैं। तो क्लास का टाइमिंग रहेगा 5 PM, आप सबको पता है मेरी स्पेशल क्लास आप लेते हो, तो मेरी स्पेशल क्लास 4 PM होती है। मेरी स्पेशल क्लास से तुरंत जम करके आपको KVS मदान सर की क्लास में जाना है, जो पेपर वन के ऑथर हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड। पैल्टो, मोस्का, मिल, ये सभी आते हैं इलाइट थ्योरी में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। जब हम इलाइट थ्योरी की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना सारे, जब आप इलाइट थ्योरी ऑफ पावर की बात करते हो, तो ये एडवांस इन अर्ली 20th सेंचुरी, ये कब आई? 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं, कब आई थी? 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रारंभ हुई एक तरह से, है ना। इलाइट थ्योरी ऑफ पावर, इलाइट थ्योरी मतलब क्या होता है? जब आज अगर आप देखोगे, आज हम सब कहाँ रहते हैं, देखो अगर किसी बच्चे की वीडियो क्लियर नहीं हो तो क्या करना, 3 डॉट्स पे क्लिक करके, ठीक है, वहां से क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, ठीक है। सो जब हम इलाइट थ्योरी ऑफ पावर की बात करते हैं, यानी इलाइट कौन है? इलाइट ये है कि जैसे मान लो कि आज डेमोक्रेसी में क्या है, आज हम लोग वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं,
बिल्कुल ठीक बात है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, ठीक है, लोगों का शासन है, चाहे लोग किसी को सत्ता पे बिठाए, वहां से एक तरह से उन्हें सत्ता से हटा भी सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं भाई, ठीक है, जनता है ये, जनता जनार्दन है, पब्लिक है, नहीं जानते हम एक तरह से। तो आप देखते हो कि जो कुछ लोग हैं जो सत्ता में है, जो कुछ लोग सत्ता में है उन्हें बोलते हैं इलाइट, और ये हो गई पब्लिक। इतने राउंड में क्या हो गई? आम लोग। आम लोगों को बोला जाता है मासेस। क्या बोला जाता है? मासेस। तो ये ध्यान रखनी है, दो चीजें ध्यान रखनी है, कुछ लोग जो हम पर शासन करते हैं वो होते हैं इलाइट, कुछ लोग जो हम पर शासन करते हैं वो लोग कौन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलाइट, एंड कुछ जो बाकी लोग जिन पर शासन हो रहा है, जिन पर शासन हो रहा है वो कौन कहलाएंगे, वो मासेस कहलाएंगे। तो अगर आप देखोगे इलाइट थ्योरी ऑफ पावर, तो ये एडवांस सी इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो 3 फेमस सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, कौन कौन, जो कि आप लोगों ने नाम बताया, पहले आते हैं पैरेटो, फर्स्ट आते हैं आपके पैरेटो, सेकेंड इज मोस्का, एंड थर्ड इज मिशेल, बोल दो माइकल बोल दो एक तरह से, जो ये टर्म है इलाइट। तो अगर आप देखोगे इज अ कैटेगरी ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, अगर आप देखोगे तो इंट्रोड्यूस बाय पैरेटो, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ये जो टर्म है इलाइट, ध्यान रखना ये जो टर्म है, इसको अगर आप देखोगे जो ये इलाइट टर्म है कैटेगरी ऑफ सोशल एनालिसिस में, अगर आप देखते हो तो इंट्रोड्यूस बाय पैरेटो, तो पैरेटो ने इंट्रोड्यूस की थी। व्हाइल द आइडिया इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी वाज फ्लोटेड अर्लियर बाय मोस्का, लेकिन अगर आप देखोगे जो इलाइट टर्म है, जब हमने इलाइट टर्म की बात की तो ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में किसने इंट्रोड्यूस की, पैरेटो ने। लेकिन जब अगर हम देखेंगे थ्योरी फ्लोटेड बाय, किसके द्वारा, जो थ्योरी दी, ठीक है, जो इस सिद्धांत से जुड़ा विचार जो दिया वो किसने दिया, मोस्का ने दिया। जब टर्म पूछेगा एग्जामिनर कि हु गिवन द फर्स्ट, हु गिवन द टर्म ऑफ इलाइट टर्म, जो एक तरह से, तो किसने इंट्रोड्यूस की, है ना, तो आप बताओगे पैरेटो। अगर पूछेंगे कि भाई थ्योरी सबसे, ये थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी अगर आप देखोगे जो अर्लियर देते हैं इन लोगों से, पैरेटो से, इन माइकल से, तो वो थे मोस्का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो वीडियो पे क्लिक करो, साइड में 3 डॉट्स नजर आएंगे, वहां से क्वालिटी पे जाओ और क्वालिटी अच्छी कर लो, क्वालिटी इंप्रूव कर लो, ठीक है, 720p कर लो, जो भी करनी है वो कर लो एक तरह से। ये आप लोगों को स्लाइड समझ आई, इलाइट थ्योरी ऑफ पावर जो थी वो एडवांस इन अर्ली 20th सेंचुरी में आई, फेमस सोशियोलॉजिस्ट लेकर आए इसे, पैरेटो, मोस्का, ठीक है, मिशेल, और आप देखोगे जो इलाइट टर्म है तो ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में इंट्रोड्यूस की थी पैरेटो ने, लेकिन ये आइडिया एसोसिएटेड है, थ्योरी वॉज फ्लॉटेड अर्लियर बाय मोस्का। चलो आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि क्लास थ्योरी पढ़ते हो आप लोग, जैसे क्लास थ्योरी पढ़ते हो, यानी वर्ग सिद्धांत पढ़ते हैं ना, जैसे एक तरह से क्लास थ्योरी है, वैसे इलाइट थ्योरी एक्सेप्ट करती है ब्रॉड डिवीजन ऑफ सोसाइटी का, कि एक तो डोमिनेंट है, एक डिपेंडेंट ग्रुप है। जैसे आज हम लोग क्लास थ्योरी में देखते हैं, वर्ग सिद्धांत में देखते हैं, जैसे कि जो भी वर्कर्स थे एक तरह से, अगर आप देख लोगे जैसे मार्क्स बताते हैं, मार्क्स क्या बताते हैं, जैसे वर्कर्स हैं तो वर्कर्स कैसे हो गए, डिपेंडेंट ग्रुप हो गया भाई, अगर उन्हें कोई काम नहीं देगा तो वो कैसे अपना मतलब एक तरह से कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे वो अपना मतलब खाएंगे पिएंगे, है ना, उनकी रोजी रोटी किस पर है, डिपेंड उनके काम पर, उनके वर्क पर। और एक है डोमिनेंट, एक डोमिनेंट है यानी कैपिटलिस्ट बोल सकते हैं हम उसको। तो इसमें भी इलाइट थ्योरी भी एक्सेप्ट करती है सोसाइटी का डिवीजन, कि सोसाइटी जो होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है डोमिनेंट यानी वो लोग जो शासन कर रहे हैं जिनका डोमिनेंस है, ठीक है, और वो लोग जो डिपेंडेंट है यानी कि अगर आप देखोगे जो किसी पर डिपेंड है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे। बट अनलाइक क्लास थ्योरी, इलाइट थ्योरी ट्रीट द डिवीजन इन समवट नेचुरल, ठीक है, आप देखोगे वर्ग सिद्धांत के विपरीत कुलीन सिद्धांत जो है आपका, यानी जो आपका इलाइट थ्योरी है, डिवीजन को कैसा मानती है, स्वाभाविक मानती है, नेचुरल मानती है, कि नेचुरल है, ऐसा बनाया है, जैसे आपके एरिस्टोटल, लाइक एरिस्टोटल फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे उन्होंने तो स्लेवरी सिस्टम को भी ठीक बताया, उन्होंने बोला कि स्लेवरी सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो लोग एक तरह से दूसरों पर रूल कर पाए या दूसरों पर डोमिनेंट हो पाए, नहीं होती ना, वो डिपेंड ही रहते हैं एक तरह से, कौन,
आई एम टॉकिंग अबाउट स्लेव, स्लेव्स जो स्लेव्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इट रिगार्ड द कॉम्पिटेंस एंड द एप्टीट्यूड रिस्पॉन्स फॉर द डिसीजन। तो आप देखोगे ये विभाजन सक्षमता और योग्यता को जिम्मेदार मानती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैंने स्लेव की आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। तो स्लेव में भी क्या है, वहां पर भी हम रिस्पॉन्सिबल किसको मान रहे हैं, हम वहां पर रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को, उसको कैपेबिलिटी को, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी शायद ना हो, समझ आया, तक जो कि वो दूसरे पे डोमिनेंट कर पाए, दूसरों पर वो डिपेंड ही रह सकता है, बस ये चीज है। तो ये चीज ध्यान रखना, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो क्लास थ्योरी है, क्लास थ्योरी की इलाइट थ्योरी, क्लास थ्योरी की तरह इलाइट थ्योरी सोसाइटी के ब्रॉड डिवीजन को मानती है कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट ग्रुप और एक होता है डिपेंडेंट ग्रुप। और क्लास थ्योरी के अनलाइक अगर आप देखोगे इसके विपरीत जो है इलाइट थ्योरी कैसा मानती है, जैसे क्लास थ्योरी तो ये मानती है कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ये चीज की गई है, लेकिन इलाइट थ्योरी मानती है कि जो ये डिवीजन है ना सोसाइटी का, ये नेचुरल है, क्योंकि ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसके योग्यता के लिए, उसकी क्षमता के लिए, इस वजह से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं इलाइट की, जो टर्म है इलाइट, ये जो टर्म आपको नजर आ रही है इलाइट, तो ये डिराइव हुई है फ्रेंच से। कहाँ से हुई है, फ्रेंच से डिराइव हुई है ये इलाइट जो टर्म है, ये फ्रेंच से निकली है, फ्रांसीसी से ली गई है। इसका मतलब होता है समथिंग एक्सीलेंट, इसका मतलब क्या होता है, कुछ बहुत अच्छा होना, कुछ बहुत अच्छा होना, कुछ उत्कृष्ट होना, समथिंग एक्सीलेंट होना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बी समथिंग एक्सीलेंट। तो हमारे जो पैरेटो हैं, जिन्हें हम पैरेटो बोलते हैं, इनका पूरा नाम है विल्फ्रेडो पैरेटो। क्या नाम है, विल्फ्रेडो पैरेटो। ये एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। कौन है ये, इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना, इनका टाइम पीरियड रहा 1848 से लेकर 1923 तक। तो विल्फ्रेडो पैरेटो अगर आप देखोगे, एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो टर्म है इलाइट, तो ये कहाँ से डिराइव हुई है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंच से डिराइव हुई है। दूसरी चीज, विल्फ्रेडो जो है, आपसे 2019 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि कौन सा इटालियन सोशियोलॉजिस्ट या इटालियन थिंकर नहीं है, तो वहां पर पैरेटो दिए हुए थे और भी थिंकर दिए हुए थे। तो वहां पर से सी राइट में अगर आप देखोगे तो वो सारे इलाइट थिंकर्स दिए हुए थे, इलाइट फिलोसोफर्स दिए हुए थे, तो उसमें से आपको छांटना था, है ना। और इनकी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं, तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मैं दूसरे पेन से करके बता देती हूँ आपको। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द माइंड एंड सोसाइटी। क्या है, द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो द माइंड एंड सोसाइटी है, इसके अंदर इन्होंने यूज किया था इस टर्म को, इलाइट टर्म को इसमें यूज किया इंडिकेट करने के लिए एक सुपीरियर सोशल ग्रुप। क्या करना, सुपीरियर सोशल ग्रुप। इलाइट कौन है, अगर मैं ही आपसे पूछूं कि बच्चों इलाइट कौन है, तब आप लोग मुझे बोलोगे, है ना, कि मैम सुपीरियर सोशल ग्रुप इज इलाइट, या सुपीरियर सोशल ग्रुप आर इलाइट, है ना, एक तरह से बिल्कुल ठीक बात है। इलाइट जो है इंडिकेट करता है एक सुपीरियर सोशल ग्रुप को, यानी वो ग्रुप, वो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल हु शो द हाईएस्ट एबिलिटी इन देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटी वेयर इट्स नेचुरल माइट बी, जहां पर वो नेचुरल हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है। जो अगर मान लो कि एक तरह से जिसके अंदर ये चीज है कि भाई वो शासन करने के लिए पैदा हुआ है, तो वो क्या, वो ये लोग क्या मानते हैं, इसको नेचुरल मानते हैं। ये एक्टिविटी, ये जो एक तरह से जो एबिलिटी है वो कैसी है, नेचुरल, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने इसमें आप लोगों को क्या समझाया, हाँ वेरी गुड, द माइंड एंड सोसाइटी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इन्होंने ये यूज की थी टर्म इलाइट, इंडिकेट करने के लिए सुपीरियर सोशल ग्रुप को, यानी ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ऐसे लोगों का समूह जहां पर आप देखते हो हाईएस्ट एबिलिटी देखते हो, ठीक है, इनकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, जो कि नेचुरल हो सकती है। इट वॉज माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब इलाइट के बारे में बता रहे होते हैं तो वहां पर लिखा होता है इट वॉज माइनॉरिटी ग्रुप, बिल्कुल यस। जब कोई थोड़े से लोग, अगर मान लो दो चार लोग जब हम पर शासन कर रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी तो हुए, हम मेजॉरिटी तो नहीं बोल सकते, माइनॉरिटी आर इलाइट, ठीक बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ ना, माइनॉरिटी आर इलाइट एक तरह से। लेकिन जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी आर मासेस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इट वॉज माइनॉरिटी ग्रुप दैट टू ऑल मेजर डिसीजन इन सोसाइटी, जो कि समाज के सबसे बड़े बड़े फैसले, जो भी सभी मेजर डिसीजंस हैं, तो वो कौन लेता है, इलाइट ग्रुप लेता है। इट मींस ये माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, ये समझ आया आप सबको, सबको समझ आ रहा है, कोई
बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसकी लाइव नहीं है वो लाइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सबको समझ आ गया, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जिसको जहां नहीं समझ आया तो मुझे बताना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेटो की बात कर रहे हैं ना। तो अदर पार्ट अगर आप देखोगे सोसाइटी का, विच फेल शॉर्ट ऑफ दिस लेवल ऑफ एबिलिटी वॉज टर्म एज मास ऑफ द पीपल और मासेस। यानी कि हमने एक देखा माइनॉरिटी, अब हम पढ़ रहे हैं मेजॉरिटी। अदर पार्ट अगर आप देखोगे सोसाइटी का, जिसके अंदर लेवल ऑफ एबिलिटी शॉर्ट होती है, कम होती है, उतनी नहीं होती जितनी कि हमने इलाइट में देखी, उन लोगों को क्या कहते हैं, जनता बोल दो या फिर उस लोगों का एक समूह। ठीक है, उन लोगों का एक समूह जिसे हम मासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासेस। तो मासेस को आप एक करेक्टराइज कर सकते हैं एक तरह से, लैक ऑफ क्वालिटी होती है इनमें। क्या होती है, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है, एंड फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डर होता है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, नहीं ले सकते ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि ये वो लोग हैं मासेस, अगर आप देखोगे अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी विल शॉर्ट ऑफ द लेवल ऑफ द एबिलिटी टर्म्ड एज अ मास ऑफ द पीपल और मासेस। मासेस आर द करेक्टराइज बाय द लैक ऑफ क्वालिटी और लीडरशिप एंड फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक तरह से डरते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप इनमें नहीं होती और इन्हें डर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। दे फील दैट इट वुड बी सेफ टू फॉलो द इलाइट। और इन लोगों, ये लोग महसूस करते हैं, ये लोग इस तरह से, इनको लगता है कि भाई अगर हम इलाइट को ही फॉलो करें तो इट इज बेटर, ये एक तरह से बेटर होगा, है ना, इट विल बी बेटर एक तरह से, बहुत अच्छा होगा ये हमारे लिए, ऐसा उनको लगता है ये चीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं इलाइट हो गई हूँ। चलो मैं देखो, एक तरह से क्या होता है, जो शासन कर रहा है, जो शासन कर रहा है, देखो ऐसे समझो, जो ये दो चार लोग हैं ना, ये जो चार पांच लोग हैं, ये इलाइट हैं, ये इलाइट हैं एक तरह से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, अमित शाह जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी, और भी लोग लगा लो, ये कौन हो गए, ये इलाइट हो गए। ये कौन हो गए, इलाइट हो गए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही एक तरह से, इनके अंदर वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है। लेकिन जो मासेस हो गए, जो यहाँ से बोलते हैं, बस जो यहाँ से बोलते हैं एक तरह से, क्या बोलते हैं कि इनसे ये नहीं हो रहा है, इनसे वो नहीं हो रहा है, ये मासेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। ठीक है, इनसे अगर बोलो कि जाओ आप, जाओ पॉलिटिक्स में, तो करेंगे, अरे भाई हम क्या करेंगे जाके। ठीक है, एक तरह से फिर ये बातें बना देंगे कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, गंदी कीचड़ है, हमें उसमें गंदा नहीं होना, ये सब चीजें। तो ये हो गए मासेस। ठीक है, ये वो इलाइट हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एक तरह से। ठीक है, इनमें डर नहीं होता, दे डू नॉट फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप देखोगे नहीं डरते हैं एक तरह से, लेकिन ये डरते हैं, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर होती है, इनके अंदर लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी होती है, लेकिन इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनमें। ठीक है, ये समझ आया, सबको समझ आ रहा है, बताओ एक बार। अब देखो, अगर हम लोग देखें विद इन द इलाइट पैरेटो, अगर आप देखोगे विद इन इलाइट पैरेटो डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्निंग इलाइट एंड नॉन गवर्निंग इलाइट। अब पैरेटो ने इलाइट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पैरेटो हमारे क्या करते हैं, हमारे पैरेटो ने इलाइट को जब बताया तो इलाइट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है गवर्निंग इलाइट, एक होता है गवर्निंग, और एक हो गया आपका नॉन गवर्निंग, नॉन गवर्निंग इलाइट। ठीक है, एक हो गया गवर्निंग और दूसरा हो गया नॉन गवर्निंग। चलो समझते हैं गवर्निंग इलाइट क्या है। गवर्निंग इलाइट वो इलाइट है जिसमें इज वन दैट वील्ड पावर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे गवर्निंग इलाइट वन इज द वन दैट वील्ड पावर फॉर द टाइम बींग, वाइल नॉन गवर्निंग लाइट कॉन्स्टेंटली एड्यूवर टू द रिप्लेस इट, शोइंग ग्रेटर एबिलिटी एंड एक्सीलेंस। तो आप देखोगे, अगर आप देखो इसके अंदर, देखो हिंदी में देखो अगर, कि जो अभिजात वर्ग है इसको दो में बांटते हैं। ठीक है, एक तो जो अशासी अभिजात वर्ग है वो जो समय के लिए शक्ति का उत्पादन करता है, लेकिन गैर शासी अभिजात वर्ग अधिक क्षमता और उत्कृष्टता दिखाते हुए इसे बदलने के लिए लगातार प्रयास करता है। जैसे कि अगर मान लो, जैसे हमारे यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, जैसे अगर आप देखोगे अगर कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं, कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं, तो हम लोग किस में कॉम्पिटिशन देखते हैं, किस में देखते हैं मेजर कॉम्पिटिशन, टू पार्टीज में, एक बीजेपी हो गई दूसरी कांग्रेस हो गई, देखते हैं ना,
या किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि अब अगर आप देखोगे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का आप देखोगे, वहां पर बीजेपी आगे रही है ना, और जैसे आप लोग और भी कहीं का देख लो, और भी कहीं का ले लो, कहीं पर कांग्रेस है तो कहीं बीजेपी है, इस तरह से देखते हो ना ये चीज। तो हम लोग जब देखें वहां पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, एक हो गई गवर्निंग, जो क्या करती है, एक गवर्निंग लाइट हो गई, गवर्निंग लाइट विल्ड पावर फॉर द टाइम बीइंग, एक तरह से जो क्या कर रही है, जो कि समय के लिए शक्ति का उत्पादन करती है, एक समय के लिए शक्ति को कर रही है ना, और दूसरी अपनी एक्सीलेंस और ग्रेटर एबिलिटी को शो करके उसको रिप्लेस करना चाहती है, जो वहां पर पार्टी पहले से मौजूद है उसको रिप्लेस करती है। यानी आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर दो तरीके की लाइट होते हैं, दो तरीके की लाइट, एक गवर्निंग लाइट जो पहले से उस पर है और वो क्या कर रहा है, वो अपनी पावर को ही अच्छे से यूज कर रहा है, ठीक है, दूसरा नॉन गवर्निंग लाइट जो अपने एक्सीलेंस और एबिलिटी, ग्रेटर एबिलिटी को शो करके वहां पर उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है कि जो गवर्निंग लाइट है वो रिप्लेस हो जाए। अब बात समझ आई, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो, इन शॉर्ट अगर आप देखोगे, बिहेवियर ऑफ इलाइट इज करेक्टराइज बाय कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलाइट, तो बिल्कुल सही, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है ये बात है कि भाई इन लोगों के बीच में तो कॉम्पिटिशन होगा ही होगा, मतलब गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट किसके पीछे, सत्ता के पीछे, सत्ता चाहते हैं ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पावर, क्या है, पावर, इस पावर के पीछे ही अगर आप देखोगे, सत्ता के पीछे ही क्या है, एक तरह से एक कंपटीशन हो जाता है, एक करेक्टराइज कर सकते हैं कांस्टेंट कंपटीशन होना गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलाइट के बीच में। दिस रिजल्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। तो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी किसने दी थी, इतनी देर से मैं जो आपको समझाने लग रही हूँ वह है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी, तो किसने दी थी, पैरेटो ने दी थी। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया, यहां पर उन्होंने दो तरीके के इलाइट को बताया, एक बताया गवर्निंग, दूसरा बताया नॉन गवर्निंग। तो गवर्निंग इलाइट और नॉन गवर्निंग इलाइट के बीच में जो पावर के लिए जो बीच में कंपटीशन रहता है, कांस्टेंट कंपटीशन रहता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। इसमें क्या होता है, मासेस हैव नो चांस ऑन एंटरिंग द रैंक्स ऑफ इलाइट, यहां पर मासेस के पास तो कोई चांस नहीं है ना, क्योंकि ये किसके बीच में हो रहा है, ये हो रहा है आपके इलाइट के बीच में, एक गवर्निंग इलाइट है, एक नॉन गवर्निंग इलाइट है, यानी गवर्निंग इलाइट वो जो गवर्न कर रहा है, नॉन गवर्निंग इलाइट वो जो गवर्न नहीं कर रहा है, वो उसको रिप्लेस करके आना चाहता है। जैसे कांग्रेस, जैसे कहीं पर भी मान लो, अगर वहां पर बीजेपी है, उस पर्टिकुलर स्टेट में बीजेपी है, ठीक है, और लेकिन वहां पर क्या आनी चाहती है, वहां पर कांग्रेस अगर आप देखो एक्सीलेंस एंड ग्रेट एबिलिटी को शो करके अगर वो रिप्लेस कर दे बीजेपी को, तो वहां पर इसका मतलब क्या हो गया, नॉन गवर्निंग हो गया, क्या हो गया, नॉन गवर्निंग इलाइट हो गया, एक गवर्निंग इलाइट है, एक नॉन गवर्निंग इलाइट है, और इन्हीं के बीच में जो मेजर कंपटीशन होता है, कांस्टेंट कंपटीशन रहता है, इसी प्रक्रिया को, इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। और यहां पर मासेस के पास कोई चांस नहीं होता इलाइट की रैंक में एंटर करने का, कैसे होगा आप खुद बताओ, जो आम आदमी है वो तो आम आदमी है ना, वो तो आम आदमी है, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलाइट थ्योरी की बात कर रहे हैं। इलाइट थ्योरी में याद रखना, जो इलाइट होते हैं वो मेजर इलाइट ही होते हैं, कुछ कम लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, क्या होता है, माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द पीपल होता है, जो हम पर क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, हम लोगों पर शासन करते हैं, एंड मासेस जो हो गई जनता, ठीक है, समझ आ गई ये। अभी हम चलेंगे इसके लिए आगे, तो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट इज गिवन बाय, जल्दी से आंसर करो इसका, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट इज गिवन बाय, किसने दी थी सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड, आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, पैरेटो, ठीक है। तो पैरेटो की जब हम बात करते हैं, पैरेटो ऑल्सो रिकॉग्नाइज, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया करेज को, कनिंग को, क्वालिटी होती है इलाइट की, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे साहसी होता है, चालाक होता है, जैसे हमारे मैकियावली, मैकियावली बोलते हैं ना प्रिंस को, कि प्रिंस को कैसा होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और शेर की तरह, लायन की तरह करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, किसी से डरने वाला नहीं होना चाहिए। तो पैरेटो जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि करेज एंड कनिंग एज अ क्वालिटी ऑफ इलाइट, ये क्वालिटीज हैं इलाइट की एक तरह से, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। यहां पर वो ऑब्जर्व करते हैं कि लायन लायन मोर सुटेड है मेंटेन्स ऑफ द स्टेटस क्यू। ठीक है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो लायन है वो मोर सुटेड है मेंटेन्स ऑफ द स्टेटस क्यू अंडर द स्टेबल कंडीशन, व्हाइल फॉक्सेस आर द अडेप्टिव इनोवेटिव एंड कॉप बेटर देन ड्यूरिंग द चेंज। तभी तो ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, ये क्वेश्चन आया था ना कि मैकियावेली का लायन एंड फॉक्स वाली जो टर्मोलॉजी है इनमें से किस थिंकर ने उनसे बोरो की थी, उधार ली थी। तो कौन लेते हैं? पैरेटो लेते हैं। कौन लेते हैं? पैरेटो। वेरी गुड। तो यहां पर ध्यान रखना उन्होंने क्या बोला। पैरेटो ने कहा कि साहस और चालाक को अभिजात वर्ग के गुणों के रूप में पहचाना। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि करेज एंड कनिंग क्वालिटी है इलाइट की, और वो ऑब्जर्व करते हैं कि लायन जो होता है शेर, वो शेर क्या करता है, यथास्थिति रख रखाव के लिए अधिक अनुकूल है, किसी डरता थोड़ी है, साहसी होता है। कैसा होता है? साहसी होता है, किसी से डरने वाला नहीं होता। और लोमड़ी, लोमड़ी कैसी होती है? लोमड़ी अगर आप देखोगे अनुकूल अडेप्टिव होती है, इनोवेटिव होती है, नई नई चीजें करना एक तरह से, और परिवर्तन की अवधि के दौरान बेहतर सामना करती है। अगर चेंजेस चेंज भी हो रहे होंगे ना, चेंजेस अगर अगर चेंजेस भी हो रहे होंगे उस स्पेसिफिक पीरियड में, देन वो अडेप्ट कर लेगी, बिकॉज वो अडेप्टिव होती है एंड इनोवेटिव होती है, बेटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेंज, कॉप कर लेती है, इजिली कॉप कर लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये है आपके गेटोनोमोस का, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये है आपके गेटेनोमोस का। इनका टाइम पीरियड रहा 1858 से लेकर 1941 तक। आई होप आप लोगों को पैरेटो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार मुझे सारे बच्चे थम्स अप कर दो और यस करके बताओ कि आपको पैरेटो क्लियर है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पैरेटो को डिस्कस किया। उनकी सर्कुलेशन ऑफ इलाइट को मैंने आप लोगों को थ्योरी को समझाया कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी उनकी क्या कहती है, उन्होंने इलाइट थ्योरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, सोसाइटी को वे कैसा मानते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्लियर है? ओके चलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब गेटोनो मोस्का को। ये भी एक इलाइट है, एक इलाइट थ्योरिस्ट है। ठीक है, ये क्लासेस देखो, ये वाले जो क्लासेस मैं लेती हूँ ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे मेरा यूट्यूब चैनल है जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ। तो वीक में मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ वेडनेसडे का, और ये क्लास मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ। ठीक है, ये जो है मैं आप लोगों को प्लस में भी कराऊंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्लस में भी कराऊंगी, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लस में नहीं कराऊंगी, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, जो भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर सारा अवेलेबल कराती हूँ। इंडियन जैसे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, मैं प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ आपको। चलो, सो गेटेनो मोस्का का ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। चलो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गेटेनो मोस्का, गेटेनो मोस्का अगर आप देखोगे, जो ये गेटेनो मोस्का है ये इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। पैरेटो कहाँ के थे जल्दी से बताओ? पैरेटो कहाँ के थे? वो भी इटालियन थे ना। गेटेनो मोस्का भी इटालियन है, गेटेनो मोस्का भी इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये ध्यान रखना। ये भी वो भी इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे, और ये भी इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। तो इन दिस अगर आप नोटेड वर्क देखोगे तो इनका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको इस कलर से बता देती हूँ। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द रूलिंग क्लास। क्या है इनके वर्क का नाम? द रूलिंग क्लास। मैं जो भी आप लोगों को बुक्स यहाँ पर नोट डाउन करा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, वो सारी लिखते हुए चलना, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गेटेनो मोस्का अगर आप देखोगे, एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट, इनकी नोटेड वर्क अगर आप देखोगे तो रूलिंग क्लास रही। इन्होंने पोस्टुलेट किया कि पीपल आर नेसेसरली डिवाइडेड टू टू ग्रुप्स। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक रूप से दो समूहों में विभाजित
विभाजित किया गया है, ठीक है। वो पोस्टुलेट करते हैं कि पीपल नेसेसरली डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स, टू ग्रुप्स। तो एक होते हैं रूलर, दूसरे होते हैं रूल्ड, यानी एक वो जो शासक हैं, शासन करने के लिए आए हैं, और दूसरे हैं शासित, जिन पर शासन किया जा रहा है। तो द रूलिंग क्लास कंट्रोल मोस्ट ऑफ वेल्थ पावर प्रेस्टाइज इन द सोसाइटी। जो रूलिंग क्लास है वो कंट्रोल करेगी, बिल्कुल करेगी, धन को, शक्ति को, प्रतिष्ठा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। कौन? रूलर्स, सीधा बोल सकते हो रूलिंग क्लास, है ना। और द रूल्ड आर नॉट अ कॉम्पिटेंट टू रिप्लेस इट। अगर आप देखोगे इसे बदलने के लिए शासित सक्षम सक्षम नहीं है। एक तरह से अगर आप देखोगे अभी तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक, तो आप देखोगे अभी तो हम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन जो आप लोगों का ये है एक तरह से, तो रूल्ड आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रिप्लेस इट, तो आप देखोगे इसे बदलने के लिए शासित सक्षम नहीं होते, यानी कि जो मासेस हैं, कौन है, मासेस, तो मासेस सक्षम नहीं है, उनके अंदर इतनी वो इतने एबल नहीं है कि वो चेंज कर पाए। दोबारा बता देती हूँ इस स्लाइड, गेट एनो मोस्का टाइम पीरियड 1858 से लेकर 1941 तक रहा, एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहा द रूलिंग क्लास। 1896 इनकी बुक का पब्लिश ईयर है। इन्होंने पोस्टुलेट किया था कि जो पीपल होते हैं वो नेसेसरी डिवाइड होते हैं टू ग्रुप्स में, एक होते हैं रूलर्स और दूसरे होते हैं रूल्ड, यानी कि एक शासक और दूसरे शासित। तो उन्होंने कहा कि जो रूलिंग क्लास होती है उस वो कंट्रोल करती है वेल्थ को, पावर को, प्रेस्टाइज को, और जो रूल्ड हैं, रूल्ड यानी जिन पर शासन हो रहा है, वो रिप्लेस नहीं कर सकते, किसको, रूलर्स को, रूलिंग क्लास को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, चलो आगे चलते हैं। मोस्का डिफाइन करते हैं कि जो रूलिंग क्लास है एज अ पॉलिटिकल क्लास है, जो रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, स्पेशली इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो आप देखोगे जो मोस्का है वो डिफाइन करते हैं रूलिंग क्लास को, रूलिंग क्लास को क्या बोलते हैं, कहते हैं पॉलिटिकल क्लास। तो मोस्का डिफाइन करते हैं रूलिंग क्लास एज अ पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास के तौर पे डिफाइन करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, यानी कि प्रभावशाली समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्पेशली अगर आप देखोगे किसमें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इन एनी केस अगर आप देखोगे द रूलिंग क्लास टेंड टू इनवोक मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू विन कंसेंट ऑफ द रूल, तो आप देखोगे कि किसी भी मामले में शासक वर्ग नैतिक और कानूनी सिद्धांतों का आह्वान करता है ताकि शासन की सहमति जीत सके, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या है, इन एनी केस ऑफ द रूलिंग क्लास, तो यहाँ पर कोई भी शासक वर्ग नैतिक और कानूनी सिद्धांत का आह्वान करता है ना, रूलिंग क्लास से लीगल प्रिंसिपल और मोरल प्रिंसिपल जुड़े होते हैं, और ताकि शासन की सहमति जीत सके, यानी कि अगर मान लो जैसे कि लेजिस्टिमेसी होती है, लेजिस्टिमेसी समझते हो ना, अथॉरिटी एक तरह से, अगर मान लो हम पे जो रूल कर रहे हैं अगर हम उन्हीं लोगों को एक तरह से वैलिडी ना माने, फिर हम उन्हीं को वैधता प्रदान ना करें कि आप कौन होते हो भाई हम पे रूल करने वाले, तो उनको वो एक तरह से हम पे रूल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह से तो मोस्का डिफाइन करते हैं कि रूलिंग क्लास एक पॉलिटिकल क्लास होती है जो रिप्रेजेंट करती है अपने इंटरेस्ट को और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स को, ठीक है, समूहों के कुछ प्रभावशाली समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, स्पेशली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। आप देखोगे इन एनी केस जो रूलिंग क्लास होती है शासक वर्ग नैतिक और कानूनी सिद्धांतों का आह्वान करता है, रूलिंग क्लास क्या करती है, टेंड टू इनवोक मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल और इन ऑर्डर टू विन कंसेंट ऑफ द रूल्ड, यानी कि वो ताकि शासन की सहमति को जीत सके, ताकि उन लोगों के हितों में कुछ काम कर दे। जैसे मान लो किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी लाइट लोगों ने एक तरह से किसी लोग मासेस के फेवर में कोई काम किया, तो वो उन लोगों का दिल जीत लिया एक तरह से, जो रूल्ड हैं, रूल्ड यानी शासन शासित लोग हैं जो एक तरह से, ठीक है, रूलिंग क्लास नहीं, रूल्ड यानी कि शासन शासित लोग, उनका एक तरह से दिल जीत लेना, उनकी सहमति जीत सकें, तो ये चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्का ये डिवाइड बताते हैं, पैरेटो रिगार्ड करते हैं इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। पैरेटो बोलते हैं कि जो इंटेलिजेंस है और टैलेंट है ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है, किसकी, इलाइट की। मोस्का रूलिंग क्लास वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मोस्का ने रूलिंग क्लास को डिस्टिंग्विश्ड उनसे अलग किया, इन्होंने कैपेसिटी बताया,
इन्होंने क्षमता को बताया कि इनकी क्षमता और उनकी क्षमता में अलग होता है, यानी कि इलाइट की क्षमता में, इलाइट की कैपेसिटी ले लो और मासेस की कैपेसिटी ले लो, दोनों में डिफरेंस होता है। तो दोनों ही इटालियन, जो एक तरह से इटालियन जो इलाइट्स हैं, दोनों ही एक तरह से जो मोस्का है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, वो बिलीव करते हैं लीडरशिप कुड इमर्ज एट द ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग ग्रास रूट लेवल। जो मोस्का है वो डेमोक्रेटिक है ज्यादा, पैरेटो से ज्यादा डेमोक्रेटिक है कौन, मोस्का। और वो बिलीव करते हैं कि जो लीडरशिप है वो इमर्ज हो सकती है ऑल लेवल इंक्लूडिंग ग्रास रूट लेवल, यानी जमीनी स्तर पर भी, सभी स्तरों पर उभर सकती है क्या, लीडरशिप। ये ध्यान रखना, पैरेटो ने इंटेलिजेंस और टैलेंट को आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज माना इलाइट की, और मोस्का ने किसको, कैपेसिटी को, कैपेसिटी, कैपेसिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और वो इटालियन, जो दोनों ही इटालियन इलाइट हैं, और मोस्का मोर डेमोक्रेटिक है पैरेटो से, और वो बिलीव करते हैं कि लीडरशिप तभी इमर्ज हो सकती है ऑल लेवल इंक्लूडिंग ग्रास रूट लेवल पे भी इमर्ज हो सकती है, ये ध्यान रखना। मोस्का आर्ग्यू करते हैं कि डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास वॉज इसेंशियल टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड अनऑर्गेनाइज मेजोरिटी। तो मोस्का कहते हैं कि जो डोमिनेंस, जो रूलिंग क्लास है, वो जरूरी होती है, एक तरह से आवश्यक होती है प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, किसको, अनऑर्गेनाइज मेजोरिटी को। यानी कि अगर मान लो कहीं पर अनऑर्गेनाइज मेजोरिटी है, जैसे कि हम चंगेज खान की बात करते हैं, चंगेज खान आपने नाम तो आपने सुना होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चंगेज खान, ठीक है। तो चंगेज खान अगर आप देखोगे, तो मैं बात कर रही हूँ हमारे इंडिया से ऊपर, आप देखोगे जहाँ से मुगल आए थे, मंगोलिया की, ठीक है। तो जो मंगोलिया है, एक तरह से मंगोल जो है, एक तरह से वहां पर जो मेजॉरिटी थी, वहां के जो लोग थे, ठीक है, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे, अनऑर्गेनाइज थे, तो उनको ऑर्गेनाइज किसने किया, जाना किस लिए जाता चंगेज खान को, कि वहां के लोगों को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वहां के लोगों को एकता में रहना सिखाया एक तरह से। तो आप देखोगे मोस्का यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास वो जरूरी होती है, वहां पर रूली जो एक रूलिंग क्लास होती है ना, जिसका डोमिनेंस हो, डोमिनेंस एक रूलिंग क्लास जरूरी इसलिए होती है क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए जरूरी होती है ताकि वो अनऑर्गेनाइज मेजोरिटी को ऑर्गेनाइज कर पाए। समझ आई बात, यानी कहीं पर अनऑर्गेनाइज सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज कर पाए। यानी कि मोस्का ने बोला कि असंगठित बहुमत को उचित संगठन के लिए शासक वर्ग के प्रभुत्व की आवश्यकता थी। मेंबर ऑफ द रूलिंग मेजॉरिटी ऑलवेज इंजॉय हाई डिग्री ऑफ स्टीम इन द आईज ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज। इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर इलाइट थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग टू मोस्का जो मेंबर होते हैं रूलिंग मेजॉरिटी के, जैसे मान लो इलाइट के ही मेंबर हो गए, उन्हीं के ही मेंबर हो गए, जो रूलिंग माइनॉरिटी के मेंबर हो गए, वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा इंजॉय करेंगे, क्योंकि भैया वो तो रूलर्स हैं, रूलिंग क्लास है, हमेशा हाई डिग्री, एक तरह से हाई डिग्री स्टीम, मतलब एक तरह से अच्छे उस पर वो करेगी, उत्कृष्ट गुणों के कारण हमेशा उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त करेगी, बिल्कुल करेगी, किसके आंखों के सामने, आईज ऑफ द पीपल, लोगों के सामने, क्योंकि उनके अंदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं, उनके अंदर क्या है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं। अगर आप देखोगे आज अगर आप देखोगे मोदी जी, जब हम प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री, एक तरह से अब जब हम देखते हैं, ठीक है, मोदी जी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं, कि कैसे, मतलब एक करिश्माई नेतृत्व है उनके अंदर, कि लोग उनके, मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से लोग उनको अपना हीरो मानते हैं ना, एक तरह से उनके अंदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होने की वजह से, ठीक है, जो भी वो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, ठीक है, एक तरह से जो उन्होंने कहा वो लोगों ने बिल्कुल पूरा पूरा सुना और उनको वो करते भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो आउटस्टैंडिंग क्वालिटी जो किसी और दूसरे के अंदर ना होकर किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल में होती है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ रूलिंग माइनॉरिटी हमेशा क्या करती है, इंजॉय करती है हाई डिग्री ऑफ स्टीम, यानी हमेशा सम्मान पाती है बिकॉज आईज ऑफ द पीपल, लोगों के आंखों के सामने, बिकॉज आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज होने की वजह से। तो मोस्का जो है, ऑल्सो मोस्का क्या बोलते हैं, मोस्का कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन अपर एंड लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, लेट द सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। इन्होंने भी सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की बात की, किसने, मोस्का ने, ध्यान रखना, ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट बता रहे हैं कि कैसे सर्कुलेशन होता है। तो मोस्का ने भी कहा कि समाज के ऊपरी और निचले तबके के बीच एक निरंतर प्रतिस्पर्धा होती है, किसके बीच में, इलाइट के बीच में, कुछ अपर होते हैं कुछ लोअर स्टार्टा सोसाइटी के होते हैं, यानी कुछ अपर इलाइट हो गए कुछ लोअर इलाइट हो गए, और उनके बीच में जो कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन होता है उसे बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलाइट अकॉर्डिंग टू मोस्का। समझ आ गया,
तो यहाँ पर आपने देखा कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की बात और कौन करते हैं, मोस्का भी करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, जब क्लास थ्योरी की बात की जाती है, क्लास थ्योरी बताती है डिवीजन सोसाइटी का इनटू क्लासेस वाज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो क्लास थ्योरी थी जिसके अंदर आप देखोगे एक वर्कर हो गया, ये कैपिटलिस्ट हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, इन वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। और इलाइट थ्योरी बिलीव करती है कि जो डिवीजन है सोसाइटी का इलाइट और मासेस के बीच में, जो सोसाइटी डिवाइड है, सोसाइटी किस चीज में डिवाइड है, एक हो गए इलाइट और एक हो गए मासेस। ठीक है, तो दो उसमें डिवाइडेड है, तो ये फंक्शनल उस पर डिवाइडेड है, किस उस पर, फंक्शनल उस पर। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या माना, जो हमारे मोस्का है ना, मोस्का मानते हैं कि जो सोसाइटी डिवाइड होती है एक इलाइट में और मासेस में, तो ये फंक्शनल उस पर डिवाइड है, यानी इनका फंक्शन कुछ और है, इनका फंक्शन कुछ और है। ठीक है, देख एक तरह से अगर आप देखोगे जो यहाँ पर सस्टेनिंग इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप देखोगे भी सामाजिक संगठन को बनाए रखने में दूसरों की भरपाई करते हैं, डिवीजन डज नॉट गिव द राइज टू इनजस्टिस इन सोसाइटी, और इसमें कोई अन्याय नहीं है, ये इलाइट और मासेस अगर आप देखोगे, ये जो विभाजन हो रखा है ना सोसाइटी में, ये कोई अन्याय को जन्म नहीं देता। जैसे कि आप देखोगे क्लास थ्योरी में अन्याय होता है, होता है क्लास थ्योरी में अन्याय कैसे होता है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होता है किसका, वर्कर का, कौन करता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाले करते हैं। लेकिन इलाइट थ्योरी में अगर आप देखोगे जो भी सोसाइटी डिवाइड है एक इलाइट में और दूसरी मासेस में, तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, ये फंक्शनल बेस पर है, किस बेस पे, फंक्शनल बेस पे, यानी इनके फंक्शन अलग अलग हैं, और इसमें कोई भी जो डिवीजन है वो इनजस्टिस को राइज नहीं करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आई होप ये सारा समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं थर्ड आपके, रॉबर्ट माइकल। ठीक है, मैं इनकी फोटो दिखाती आप लोगों को, लेकिन मैंने लगाई नहीं फोटो, लेकिन अगली बार कभी लगाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं आपके कौन, रॉबर्ट माइकल, ये तो हमेशा पेपर में आते हैं, आते हैं ना, आते हैं रॉबर्ट माइकल, हमेशा दिखेंगे आपको पेपर में ये। ठीक है, हमेशा, इस बार भी इनकी पूछी गई थी, इस बार पूछी गई थी ना आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की अगर आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब बात करते हैं रॉबर्ट माइकल की, तो रॉबर्ट माइकल ने कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे इलाइट थ्योरी, तो किसने दिया था, रॉबर्ट माइकल ने दिया था। और इन्होंने, ये कौन थे, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, कौन थे, एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका फेमस वर्क अगर आप देखोगे, तो मैं चेंज कर देती हूँ, पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को, इनका फेमस वर्क था पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑलिगार्कल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये 1911 की है, 1911 की, थोड़ी सी बड़ी है बुक का, बड़ा मतलब बुक का नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है, वैसे इसको शॉर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम आप लोगों से पूछा जाता है। देखो 2019 के जून में और दिसंबर दोनों में पूछा गया था, लेकिन अभी अक्टूबर के 2020 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन चांसेस हैं पूरे पूरे कि आप लोगों के अगले जो 2021 में एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा पूरा अच्छे से ध्यान रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज वाला, इनका जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके रॉबर्ट माइकल, इनकी बुक का क्या नाम है, तो ये ध्यान रखना, इनकी पूरी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इनकी पूरी बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जो एक तरह से बुक है, अगर आप देखोगे ये 1911 की है, और माइकल ने प्रपाउंड किया था क्या, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को इन्होंने दिया था, माइकल, रॉबर्ट माइकल ने कौन सी थ्योरी दी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ठीक है, आपने बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया होगा, और नहीं किया तो अब हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट माइकल क्या बताते हैं, ये भी एक इलाइट है, लेकिन ध्यान रखना जर्मन के हैं। तो इन्होंने प्रोसीड किया, ठीक है, इन्होंने प्रोसीडेड, ही प्रोसीडेड टू डीमॉन्स्ट्रेट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर इज द ओरिजिनल एम इज इवेंचुअली रिड्यूस द टू ओलिगार्की।
तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा एक तरह से कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है, ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इट्स ओरिजिनल एम, तो एवेंचुअली रिड्यूस करना किस, वो ऑलिगार्की को, दैट इज द रोल ऑफ द चूजन फ्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट माइकल, अभिजात वर्ग के सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बुक तो आपको लिखवा दिया, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का प्रस्ताव इन्होंने रखा। ये प्रदर्शित करने के लिए वो आगे बढ़े कि प्रत्येक संगठन में जो अपने मूल उद्देश्य को कुलीन तंत्र में घटाता है वह चुने गए कुछ का नियम है। ठीक है, इसमें ही देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि वो प्रोसीड करते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेट दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओरिजिनल एम क्या है, इवेंचुअली रिड्यूस करना किसको, ऑलिगार्की, दैट इज द रूल ऑफ द चूजन फ्यू। यानी आपको मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी कौन है, ये माइनॉरिटी हो गई आपकी इलाइट, और जो बहुत सारे लोग हैं जिन पर रूल हो रहा है, रूल्ड, ये रूलिंग क्लास हो गई, तो ये कौन हो गई, मासेस हो गई। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्या बोलते हैं, आगे समझेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है ये अपैथेटिक है एक तरह से, ठीक है, इंडोलेंट है, स्लेविश है। इन्होंने बोला कि जो, इन्होंने बोला कि जो अधिकांश मनुष्य हैं, जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेजोरिटी मीन्स मासेस, किसकी बात हो रही है, मासेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो मेजोरिटी है एक तरह से ह्यूमन बींग की, तो वो कैसी है, एपेथेटिक है, इंडोलेंट है, स्लेविश है, यानी उदासीन है, अकर्मक है और सुस्त है बहुत ज्यादा, और दे आर परमानेंटली इन इनकैपेबल टू सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो ये मासेज है ना, जो ये मेजोरिटी है, यानी हम सब, मीन्स हम सब कैसे हैं, हम इनकैपेबल हैं, हम इनकैपेबल हैं यानी कि हम एक तरह से असमर्थ हैं अपने आप को सेल्फ गवर्न करने में, हम अपने आप को सेल्फ गवर्न यानी स्वशासन करने में असमर्थ है, हम स्थायी रूप से स्वशासन नहीं कर सकते, हम अपने आप पर शासन नहीं कर सकते, सो दे हैव टू बैंक अपॉन देयर लीडर्स फॉर परस्यूइंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन आर द व्हीकल ऑफ सच लीडरशिप। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अपने नेताओं को सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन हो गए, राजनीतिक दल हो गए, संगठन हो गए, वो ऐसे नेतृत्व का वाहन है जिन्हें हम आगे बढ़ाते हैं। जाओ सत्ता में, सत्ता में जाओ, सत्ता में जाओ और क्या करो, हम पर रूल करो, करते हैं ना हम इस तरह से, हम अपने में से ही चुनकर भेजते हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं, बोलते हैं। तो आप देखोगे कि जो मेजोरिटी है ह्यूमन बीइंग की, तो ये कहते हैं, रॉबर्ट माइकल कहते हैं कि भाई ये तो एपेथेटिक है, इंडोलेंट है, स्लाविश है, परमानेंटली इनकैपेबल है सेल्फ गवर्नमेंट में, और वो कहते हैं कि भाई जो, इसीलिए क्या करते हैं, दे हैव टू बैंक अपॉन देयर लीडर्स, ये अपने अपने लीडर्स को चुनते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे ट्रेड यूनियन चुन लिया, पॉलिटिकल पार्टीज चुन ली, अदर ऑर्गेनाइजेशन चुन लिए, और एक व्हीकल के तौर पे सच अ लीडरशिप, अपने नेतृत्व के वाहन है ये, क्या है, लीडर, ये इनके लीडर हो गए। ठीक है, ये इनके लीडर हो गए जो इन पर शासन करेंगे। तो माइकल पॉइंट आउट करते हैं कि एनी ऑर्गेनाइजेशन मे बी सेट अप विद द डेमोक्रेटिक एम, बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, इट्स मैनेजमेंट इज लेफ्ट टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन ड्यू टू कोर्स, दीज एक्सपर्ट्स और लीडर्स बिकम इंडिसिपेंसेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखोगे माइकल क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जा सकता है डेमोक्रेटिक एम के साथ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो होगा साइज में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी इसमें, मैनेजमेंट जो है एक तरह से लेफ्ट टू द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, यानी कि आप देखोगे कि मिशेल बताते हैं कि किसी भी संगठन को लोकतांत्रिक उद्देश्य के साथ साथ स्थापित तो किया जा सकता है, लेकिन संगठन का आकार और जटिलता में बढ़ता है, इसका प्रबंधन पेशेवर विशेषज्ञों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी होने लोग, जैसे आप लोग हो, आप लोग एनटीए यूजीसी नेट में अगर आप जाते हो, जैसे आपका नेट क्वालिफाई होता है, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, है ना, बन जाओगे ना, तो यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर आप विशेषज्ञ हो गए, एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए ना, आप एक तरह से पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट हो गए आप सब। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक तरह से जो आपका सब्जेक्ट होगा आपके लिए वो चीज छोड़ दी जाएगी, आप पर छोड़ दी जाएगी, इसी तरह से तो नियत समय में विशेषज्ञ नेता संगठन के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो माइकल अगर आप देखोगे तो पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मे बी सेटअप विद अ डेमोक्रेटिक एम, बट द एस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, इट्स का जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट पर छोड़ दिया जाता है, ड्यू टू ड्यू कोर्स दीज एक्सपर्ट और लीडर्स ये इंडिसपेंसेबल हो जाते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन।
तो और दे यूज देयर मैन्युपुलेटिव स्किल, ये क्या करते हैं अपनी मैन्युपुलेटिव स्किल्स को यूज करते हैं, जैसे ऑरेटरी, पर्सुएशन, प्लेइंग अपॉन सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल, परपेचुएट देमसेल्फ इन पावर, ताकि वो लोग अपने आप को पावर में ला सकें। समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर हमारी कहानी चल रही है। हमारी कहानी कैसे चल रही है देखो मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या बोला, जब रॉबर्ट माइकल आए तो रॉबर्ट माइकल ने पहले पहले ये बोला कि जो मेजॉरिटी होती है वो कैसी होती है, एपथेटिक होती है, इंडोलेंट होती है, स्लैविश होती है। मतलब हम बैठे बैठे तो सब कुछ बोल लेते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। सच में अगर हम देखें, जब हम उनकी जगह पर होंगे तब शायद हम भी एक तरह से शायद इनकैपेबल एक तरह से हो जाएं। तो हम लोग परमानेंटली इनकैपेबल होते हैं, हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ऐसा कैसे करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चुनते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए, हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन को व्हीकल बनाते हैं, लीडर बनाते हैं अपना, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप तो किया जा सकता है डेमोक्रेटिक एम के साथ, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, तो हम क्या करते हैं मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट पर, और इसी वजह से ये एक्सपर्ट और लीडर क्या हो जाते हैं, इंडिस्पेंसिबल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, इनडिस्पेंसिबल हो जाते हैं, और इन ये यूज करते हैं मैन्युपुलेटिव स्किल्स को। वे जोड़ तोल कौशल का उपयोग करते हैं, दृढ़ता, लोगों की भावनाओं पर खेलना, खुद को सत्ता में बनाए रखा जा सके, मैं रोड बनवाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए 3 टूटियां लगवाऊंगा, एक तरह से सुना है ना ये वाला, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि आपके घर में 3 टूटियां लगेंगी, जिसको ठंडे पानी से नहाने का वो ठंडे पानी से नहा के ठंडे पानी के नीचे टूटी के नीचे बैठेगा, जिसको गर्म पानी से नहाने का वो गर्म पानी के नीचे बैठेगा, और जिसको नहीं नहाने का वो तीसरी टूटी के नीचे बैठेगा, ठीक है। सुना होगा, ये तो सुना ही होगा, तो ये क्या है एक तरह से, ठीक है, ये तो आपके अगर आप देखोगे ये एक तरह से, ये तो मैंने आप लोगों का एक फिल्म का डायलॉग बताया है, लेकिन हमसे भी कुछ जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे लीडर होते हैं, तो वो इसी तरीके का वो करते हैं कि हमें रोड बनवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्यों करते हैं, अपने आप को परपेचुएट करने के लिए, किसमें, पावर के में करने के लिए, यानी पावर में लाने के लिए, अपने आप को पावर में लाने के लिए ऐसा वो करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दे बिकम सो प्रोमिनेंट बाय वर्ची ऑफ देयर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस दैट पीरियोडिकल री इलेक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पर कि वो लोग अपने आप को सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, वे अपने विशेषज्ञता अनुभव के आधार पर इतने प्रमुख हो जाते हैं कि समय समय पर फिर से चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो आयरन लॉ, जो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की है, तो रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ इलाइट इन्वेस्टिगेट बाय पैरेटो एंड मोस्का, इट बिलीव ऑल होप ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की के अंदर जो कि हमारे रॉबर्ट माइकल ने दिया है, ठीक है, तो वो एक तरह से परिकल्पित हम कर सकते हैं, जैसे पैरेटो और मोस्का ने क्या बताया, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट बताया, तो ये सारी होप, ये किसी भी समाज या संगठन के लोकतंत्र की सभी आशाओं को मानता है, यानी बिलीव करता है ऑल होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द डिस्टाइंड द रिड्यूस द ऑलिगार्की, है ना, सरकार के सभी रूपों को कुलीन तंत्र में कमी कर दिया जाता है, और मिशेल ने जो भी एक तरह से जो मिशेल है आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की को बताते हैं, तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि लॉ कैन नॉट बी यूनिफॉर्मिटी अप्लाइड ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कानून सभी संगठनों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, समझ आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने ये कहा, माइकल ने बोला जो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की है ना, यानी लॉ की बात करते हैं तो कहते हैं कि सेम लॉ आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की में वो बताना चाहते हैं कि जो लॉ है कैन नॉट बी यूनिफॉर्मिटी अप्लाइड ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हम एक समान लॉ को सभी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेंबर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन कुड बी मोर विजिलेंट वोकल एंड असर्टिव देन दोज ऑफ अदर्स, क्योंकि कुछ संगठन के सदस्य अन्य लोगों की तुलना में सतर्क हो सकते हैं, मुखर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर कोई भी लीडर आया, ठीक है, कोई भी लीडर आया, आपसे हाथ जोड़ा उसने कि अरे आप हमें ही वोट देना, ठीक है, इस तरह से, तो आप एक तरह से आप हम मुझे आपको पता ही होगा हमने सारे प्रॉमिस आपके पूरे किए हैं, तो आपके मन में हो रहा था बता बहुत प्रॉमिस तो आपने पूरे किए हैं, वो तो हमें याद है, हमें पता है हमें किसे वोट देना है, तो कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हैं, वोकल होते हैं, असर्टिव होते हैं, है ना, अदर दूसरे के उससे, तो ये ध्यान रखिएगा, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्मॉल ग्रुप जो होता है, जो जिसको जिसको थोड़ा जो छोटा ग्रुप होता है जो सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है, और किसके लिए लेता है, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लेता है, इसी को ओलिगार्की बोलते हैं, समझ आया।
सो ये टाइम खत्म होता है अब, और इसका इलाइट थ्योरी का सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को लेकर आएंगे। एक बार जल्दी से मुझे बता दो, आप सबको समझ आया? अच्छा, हाथ क्या जोड़ते हैं, वो पैर भी छूते हैं। अरे भाई, वोट के लिए तो वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, है ना? हाँ, सबको कहते हैं ना कि हमारे वोट तो आपको ही जाएंगे, बिल्कुल आपको ही जाएंगे। चलो, ओलिगार्की समझ आ गया, दोबारा बता देती हूँ। ओलिगार्की का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा स्मॉल ग्रुप होता है जिसके अंदर चूज किया जाता है कुछ लोगों को, यानी कि जो कुछ लोगों को चूज करके वही डिसीजन लेते हैं, सारे अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, इन्हीं को ओलिगार्की बोलते हैं, यानी कुलीन तंत्र। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके जाइएगा, एंड हम लोग मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में, प्लस में, अनअकैडमी प्लस में मेरी क्लासेस होती हैं 11 से 12:30। उसके अलावा मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पर के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करना चाहते हैं, तो 1 PM और 4 PM वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है जयदेव क्लासेस फॉर JRF, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वो ज्वाइन करके आप मेरे सभी क्लासेस के लिंक बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो जरूर थम्स अप करके जाना, यानी कि लाइक करके जाना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।